हेलो गाइस, माय नेम इज तनुजा शर्मा। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड वेलकम टू CTS। बेटा जी, आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। और आपको पता है, जैसे कि ये लेक्चर 2 है बच्चा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए बेटा जी, जब हमने डोबनियर के ट्रेड्स पढ़े और ट्रेड्स पढ़कर हम आगे बढ़े, तो हमने क्या देखा था? हमने मेंडलीव्स को देखा था, ठीक है। हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखा था। आगे हम बात करते हैं बेटा जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देखिए बच्चा, मोजले वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहेंगे कि मोजले का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रहा है। देखिए बच्चा, जब हमने पिछला लेक्चर डिस्कस किया, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसमें क्या क्या लूप होल्स थे, क्या क्या कमी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट मोजले, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने देखा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनके एटॉमिक वेट का फंक्शन नहीं होते हैं। किसका फंक्शन होते हैं? यस, उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शन होते हैं, ठीक है बेटा जी। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक नंबर, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया बच्चा, उन्होंने एक्सरे, देखिए मेटल सरफेस था, उन पर क्या किया उन्होंने, हाईली एनर्जाइज्ड उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉम्बार्डमेंट किया था। और फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, जिससे उन्हें ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बोला, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, पता चला, ठीक है बच्चा। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेंडलीव ने क्या बोला था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन होते हैं, एटॉमिक वेट का। और मोजले क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो किसका फंक्शन होते हैं, एटॉमिक नंबर का। ओके, राइट, इतना क्लियर बेटा। ये मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल बनाए हुए हैं टू सेव आर टाइम, ठीक है। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको अभी हम फिल करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं हम। जो मोजले थे, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जैसे मेंडलीव ने दी थी। अब बच्चा, जब उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, तो देखो इट वॉज अ कम्प्लीट ब्रेक थ्रू, है ना, क्योंकि जब मेंडलीव ने एटॉमिक वेट पर दिया, तो बहुत सारे कमियां उसके अंदर आईं। लेकिन जब मोजले ने दिया, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को जगह दे दी थी, ठीक है, जैसा कि मेंडलीव ने भी दी थी। बट इररेगुलैरिटीज़ जो थी, वो मोजले की पीरियोडिक टेबल में बहुत बहुत बहुत, मतलब ऐसे समझिए, ना के बराबर थी। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा, मोजले ने क्या कहा, जो मैंने अभी लॉ बताया ना, फिजिकल एंड द केमिकल, लिख लो चाहे, मैं बोल देती हूँ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, लिख लिया, गुड। अच्छा, ये बोला। अब इसके बाद में जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी बेटा जी, उसमें उन्होंने 7 पीरियड्स रखे थे। पीरियड्स होते हैं बेटा जी, ये वाली जो लाइंस होती हैं, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, रोज जो नज़र आ रही हैं, ये थे 7। और उन्होंने बेटा जी 9 कॉलम्स रखे थे, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 9 थे। अब आप देख रहे होंगे, पीछे तो 9 नहीं है, है ना, पीछे तो आपको 9 से ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। तो बेटा जी, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पीछे फॉर्म बनी हुई है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ओके, वहां जो आप पढ़ते हो, वहां जो आप करते हो, हैंकी कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है बेटा जी, वहां जो आप करते हो, वो क्या करते हो, वो मोजले की पीरियोडिक टेबल को हमें नहीं पढ़ना है, उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बट हाँ, उन्होंने क्या दिया, हमें ये पता होना चाहिए। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, क्या किया बेटा जी, बोर, बरी, रांग और वर्नर, इन्होंने क्या किया बेटा जी, मैंने इन तीनों के नाम लिए, बोहर, बरी, बोहर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, बरी आपने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उन्होंने बहुत क्या बोले, अच्छी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो बोर, बरी, रांग एंड वर्नर, इन्होंने क्या किया बेटा जी, जो मोजले की पीरियोडिक टेबल थी, उसे, हाँ हाँ, उसे डेवलप कर दिया, और उसे क्या बोला जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोजले ने क्या दिया था, बस वो आप लॉ ध्यान रखिए कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एटॉमिक, हाँ हाँ,
नंबर का, वो याद रखिए। और अब बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग फॉर्म की तरफ। देखिए बेटा जी, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया उन्होंने, उन्होंने सेवन तो पीरियड्स रखे, जैसा कि मोजले ने बोला था उनके भी सेवन पीरियड्स थे, लेकिन उनके कॉलम कितने थे, नाइन थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, नाइन के बजाय उसको कितना कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है। कितने कॉलम्स बोले गए, 18 कॉलम्स बोले गए, ठीक है, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होंगे। अब यहां पर देखिए बेटा जी, 1 ये हो गया 2, अब यहां बेटा जी यहां जो होता है ये होता है 3 से लेके 12 तक का, ठीक है बेटा। फिर यहां होता है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ओके। और इसमें खास बात ये थी कि जो हमारी नोबल गैसेस थी, यानी कि वो गैसेस जो नोबल हैं, यानी कि जो किसी और से रिएक्ट नहीं करती हैं, उनको बिल्कुल अलग कॉलम दिया गया था, ठीक है बेटा जी। और उसको 18th ग्रुप बोला था, 18th ग्रुप, और आई कैन से 0 ग्रुप, ठीक है बेटा जी। अब आप बात समझ रहे हैं कि ये जो लाइंस है इनको क्या बोलेंगे हम, पीरियड बोलेंगे, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, जैसे क्लासरूम में होते हैं ना, जैसे शेड्यूल में होते हैं, फर्स्ट पीरियड इन मैम का है, सेकंड इन का है, थर्ड इन का है, ऐसे इन्होंने क्या लिखा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एम आई क्लियर, ठीक है बेटा जी। अब देखिएगा यहां पर बेटा जी कॉलम्स क्या है, 1, 2, यहां 3 से लेके 12, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके डन। 18 क्या लगा दिए, ग्रुप लगा दिए, पीरियड कितने 7, 18 कितने ग्रुप, डन, गुड। अब बेटा जी मैं सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद कराने वाली हूं। जब आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे तो चीजें बहुत बहुत बेहद बेहद सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए बेटा जी, ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा कॉलम वॉलम बना के रखे हैं ताकि हम थोड़ा जल्दी काम कर पाएं। एक्चुअली मैं पूरा ही बना रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि आपके सामने ही बनाते हैं ताकि आप भी नोट डाउन करें। देखिए बेटा जी, यहाँ पर है, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एंड दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम वाला याद है ना, मैडम क्यूरी की डेथ हुई थी रेडियम की वजह से, बिकॉज रेडियम इज रेडियो एक्टिव, ओके बेटा। चलो आगे चलते हैं, आप देखना यहाँ पर क्या है, ये है बेटा जी आपका, वहाँ मैंने हीलियम बनाया है, कौन से पेन से, ये वाले पेन से करती हूँ, देखो बच्चा, ये हो गया आपका बोरॉन। बोरॉन का आपको पता है कितना होता है बेटा जी, 5 होता है, ये हो गया कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, 9 और नियॉन, नियॉन का कितना हो गया बेटा जी, 10, ठीक है। अब देखो कैसे स्टार्ट कर रहे, इनका 1 है, यहाँ 1 है, फिर 1 के बाद ये कितना आया, 2 आया, एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, तो पहले 1 और 2। भाई मोजले ने बोल दिया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, तो हम ज़रा चेक तो करें क्या ये सारे एटॉमिक नंबर लाइन से हैं। चलिए चेक करते हैं, देखिए बेटा जी 1, 2, लिथियम का कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। आप देखिए 11, 12, यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा उसका कितना होना चाहिए, 13, और होता भी है, ठीक है। यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा उसका कितना होना चाहिए, 14, यहां 15, यहां 16, यहां 17 और यहां 18, डन बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो रो से चल रहा सब कुछ, यानी कि अगला नंबर क्या आना चाहिए, यहां 19, उससे अगला कितना आना चाहिए, 20, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या होता है, यहां से डी ब्लॉक की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, मैं आपको थोड़ा सा ये सिस्टम समझा दूं। व्हाट हैपेंड इज कि हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया टू मेक आर स्टडी ईजी, ठीक है। तो ये वाले जो दो ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हमने बोला एस ब्लॉक, दिस इज योर एस ब्लॉक।
ये वाला जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज योर पी ब्लॉक, और ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज योर डी ब्लॉक। और बेटा जी यहां जब नीचे जगह नहीं बची है और वो आपका दो इसमें डिवाइडेड होता है, ठीक है, जिस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, वो होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो बुक के अंदर भी बनी हुई है, एस ब्लॉक है, बीच में डी है, ठीक है, फिर इधर पी है, और लास्ट में नीचे दो रो बनी होती है, वो हमारा है एफ ब्लॉक। इज दैट क्लियर? समझ में आई इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, अब मेरे साथ करते रहिएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे, इससे क्या क्वेश्चन आता है वो सब कुछ हम एक ही बार में इसी लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, देखिए, अच्छा अब यहां हो गया, मैंने ये आपको नंबर्स बता दिए बेटा जी। अब यहां से आता है आपका स्कैनेडियम, स्कैनेडियम जो होता है उसका 21 होता है, ठीक है। अब 21 के बाद यहां जब एंड होगा तो वो होता है 30, 30 पर एंड होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या आना चाहिए बेटा जी, जो अगला एलिमेंट आएगा उसका कितना आएगा, 31, ठीक है। फिर सो ऑन क्या चलेगा बेटा जी, ये 31 हुआ, ये 31 हुआ, तो फिर यहां क्या आएगा बेटा जी, 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 34 आएगा, 35 आएगा, एंड 36। समझ आ रही है बात? यानी कि इससे अगला जो होगा वो होगा 37। बेटा मैं ट्रिक भी बताऊंगी अभी कि आप बिना इसके कैसे याद कर सकते हैं, अभी पहले आप बेसिक से समझिए, पहले सब कुछ बेसिक से समझते हैं फिर सारी चीजें हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है बेटा। 37, फिर ये कितना आएगा बेटा जी, 38 आएगा। अब सो ऑन आगे चला दीजिए, मतलब आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। पहले सीरीज कैसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जैसे सांप होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब मैं ऐसे कैसे बनाऊं, समझ रहे हो? ठीक है बेटा जी, चलो अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिए, क्या बता दिए, ये मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स इस तरीके से बता दिए। अब बेटा जी, हाँ ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। अब इन्होंने बेटा जी ब्लॉक के बाद में देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फॉर योर कन्वीनियंसेस। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेवन तो पीरियड्स बनाए बेटा जी। पीरियड कितने थे, 7 थे, ठीक है, अच्छा 7 पीरियड्स थे, ओके। और क्या बनाया बेटा जी, 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, यानी कि 18 ग्रुप्स थे। फिर क्या किया बेटा जी, इन्होंने इसको ब्लॉक में डिवाइड किया। ब्लॉक क्या था, ब्लॉक एलिमेंट्स को ब्लॉक में डिवाइड किया, एस पी डी एफ ब्लॉक में। एस पी डी एफ में ही क्यों किया, याद करिए, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल, हाँ हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है बेटा जी, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा, यानी कि एस सबशेल में जाएगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का एस सबशेल में जाता है तो वो उसका क्या बनेगा बेटा, कहां जाएगा वो एलिमेंट, एस ब्लॉक में। अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए तो किसका होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाए तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सो बाय दिस वे हम जो एलिमेंट्स थे उनको क्या क्या किया बेटा जी, हम आसानी से कैटेगराइज कर पाए। अब सोचिए ना, 112 एलिमेंट की स्टडी आसान तो नहीं है भाई। अगर मैं अभी डिस्कवर्ड 112 एलिमेंट मानूं तो उनकी जो स्टडी है वो तो इजी नहीं है, राइट। अच्छा अब देखिएगा, ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद में उन्हें लगा कि नहीं, आगे और भी डिवीजन होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा जी उन्होंने क्लास में डिवाइड किया। आगे किस में डिवाइड किया बच्चा, क्लास में, ठीक है। तो उन्होंने बोला, थर्ड चीज क्या बोली, क्लास। क्लास उन्होंने कैसे रखी बेटा जी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा होता है ना, जैसे हम भी पढ़ाई करते हैं तो कैसे, अब LKG UKG इतना तो मत जाओ, कहाँ से, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, 8 तक ही हैं क्लासेस, ठीक है।
8 के बाद तो फिर वो कर देते हैं ना, डिवीजन कर देते हैं बच्चों का, चलो भाई कॉमर्स वाले, कॉमर्स नहीं कुछ कुछ डिवीजन होता है शायद, मैथ्स वाले अलग जाएंगे, वो अलग जाएंगे, पर ठीक है ना, 8th क्लासेस है, 8 तक क्लासेस करिए, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपको पता है कि क्लास इन्होंने कहा कि 1 to 8 की, 8 तक इन्होंने क्लास में डिवाइड किया। अब बेटा जी आगे इन्होंने क्या किया, क्लास के बाद सेक्शंस में भी डिवाइड किया। अब बेटा जी सेक्शंस क्या थे देखते हैं, जो सेक्शंस थे वो थे A, B सेक्शंस। बेटा जी A, B सेक्शंस क्या है कि कुछ को तो बोला कि भैया तुम ए क्लास में हो और कुछ को बोला तुम बी क्लास में हो, जैसे ऐसा होता है ना, ए सेक्शन बी सेक्शन अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो, ठीक है बेटा जी। तो इन्होंने भी यही किया, कुछ को ए में भेजा कुछ को बी में भेजा। तो इन्होंने बोला कि भाई जो हमारी पीरियोडिक टेबल की शान है, आन बान शान है, जिनको हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 11th की शुरुआत जो होती है बच्चों को वही पढ़ाते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा जी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो हैं ये हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एफ ब्लॉक कब पढ़ोगे आप, डी एंड एफ ब्लॉक आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ा देंगे आज, मतलब इस 11th क्लास में क्या पढ़ा देंगे, एस ब्लॉक पढ़ा देंगे, पी ब्लॉक पढ़ा देंगे, डी एंड एफ का छोटा सा चैप्टर है नेक्स्ट ईयर। ओके बेटा, तो आन बान शान कौन, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चा, मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है बेटा जी, ये मेटल्स होते हैं और वो नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा तो बेटा जी उन्होंने कहा, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने सारी आन बान शान को तो एक क्लास दे दी, और जो बचे हुए थे डी ब्लॉक वाले उनको क्या बोल दिया, उनको बोल दिया कि भाई तुम बी क्लास में जाओ। ओके, तो ए किसके लिए है, एस और पी वालों के लिए कह सकते हो, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए कह सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं पूछ लेगा आपसे पेपर में, तो एस और पी ब्लॉक वाले, ठीक है। और बी क्लास किसको बोल दी बेटा जी, हमारे डी ब्लॉक वालों को बी क्लास दे दिया। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, हाँ आई एम श्योर हो गई होगी। तो बेटा इस पॉइंट को लिख लो ताकि मैं थोड़ी जगह हो जाए और मैं आगे आपको समझा पाऊं, फटाफट से लिख लेंगे। लिख लिया बेटा जी, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। ये हो गया हमारे पास में, यानी कि अब मुझे क्लास में भी डिवीजन करना पड़ेगा, चलिए करते हैं बेटा जी। इसको बोलते हैं फर्स्ट ए सेकंड ए, ये होगा हमारा थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवन्थ ए एट्थ। एट्थ ए नहीं लगाएंगे, एट्थ बोलेंगे। नोबल गैसेस को बिल्कुल अलग से डील करेंगे बेटा जी, इनके बारे में बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। ओके, अब आई होप हटा दें इसको, कर लिया होगा। देखिए बेटा जी, अच्छा अब देखते हैं बेटा जी पीरियोडिक टेबल को याद करना, याद करना भी देखते हैं। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, हाँ यहां पर क्लास 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 रेड से लिखते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें डिस्टिंग्विश रहे बेटा जी। फर्स्ट ए सेकंड ए, ये होता है बेटा जी आपका थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवन्थ ए, और इसको बोलेंगे एट्थ, एट्थ बेटा जी। और ए भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चा, समझ में आया। और आई कैन से इसको बोल सकते हैं एटीन्थ, और क्या बोल सकते हैं, जीरो ग्रुप, ठीक है बेटा जी। आप एक काम, सॉरी बेटा मैंने यहाँ गलत बोल दिया, आप इसको एट्थ नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप इसको सिर्फ 18 और जीरो ग्रुप बोलेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं, सेवन्थ ए तक हो गया। अब देखिएगा बेटा, अब सबसे पहले मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको याद कराती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कोड में मेमोनिक्स लिख रही हूँ बेटा जी इसकी,
है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, इसकी मिमोनिक होगी बेटा जी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अच्छा अब आते पी ब्लॉक पर बेटा जी, इसको याद कर सकते हैं हम बैंगन आलू। ठीक है, बैंगन आलू आज सारी सब्जी आ जाएगी, गाजर। अब ये क्या है आगे भी, पहले इनको एलिमेंट्स को लिख देते हैं, आई एन इन थैला। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला इन थैला। बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ट्रिक से देखेंगे, डोंट वरी। अब ये है बेटा जी, कहे सीता जी सुनिए प्रभु। ठीक है, सीता जी तो ऐसे ही बुलाती थी, कहे सीता जी सुनिए प्रभु। ओके बेटा, अब ये देखिए इनका क्या है, ये है नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। ठीक है, नाना नाना पाटेकर, नाना पाटेकर को तो जानते होगे बेटा, सब जान गए अब तो, है ना। असरानी, असरानी सुना है तुमने, शोले मूवी में वो नहीं है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी हमारे पीछे आओ। ठीक है, वो जो है इतनी सी मूछ वाले, वो असरानी है। ठीक है, असरानी सब बिंदास, असरानी जी को देख लोगे तो तुम्हें लगेगा भी हाँ बिंदास है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, उस से टी पो। ठीक है, उस से टी पो। ओके बेटा, आगे आते हैं, फिर कल ज्यादा खुश मत होना, बाहर बेटा जी बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आ गई आई आंटी। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, यह हीना नीना और करीना ने जीता रेडॉन। ठीक है, तो ये है हीना हीना नीना, कहाँ हो गया भाई, हीना वहीं आएगा, मुझे तो ये बेटा ऐसी याद है, तुम्हारे लिए मेमोनिक्स बता रही हूं मैं। हीना नीना और करीना, करीना तो खैर जीत ही लेंगी, जीता बेटा जीता होता है वैसे तो। ठीक है, ज ज ज ज ज होता है ज, जीता इंग्लिश में लिख देती हूँ, जीता रेडॉन। ठीक है, रेडॉन में इंग्लिश में लिख देती हूँ, रेडॉन। बेटा ये मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है, बिकॉज फिर ना तुम ढूंढने लग जाते हो कोई लेटर इससे मैच कर रहा हो। ओके, इसलिए मैंने जानबूझ कर हिंदी में लिखा है, आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत बहुत सारा खुश रहिए। बाय बेटा।